हेलो गाइस, आज हम लोग रिमाइंडर कैलकुलेट करने वाली बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को देखेंगे। आइए ले चलते हैं आप लोगों को क्वेश्चन पर। गाइस, सबसे पहले आप लोगों को एक बातें पता होगी कि रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए पिछले लेक्चर में हम लोग दो पॉइंट ही नोट किए थे। एक पॉइंट आपका ये था वह x प्लस वन टू दी पावर n, जिसे आप लेमडा x प्लस वन लिख सकते हो, और दूसरी पॉइंट ये था कि x माइनस वन टू दी पावर n, इसकी दो वैल्यू होगी, डिपेंड करेगा n पर n इवेन है या ऑड है। अगर n इवेन होती है तो लैम्डा x प्लस वन होगी, और n ऑड होती है तो लैम्डा x माइनस वन होगी। ओके, चलिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या द रिमाइंडर वेन, ये हम लोगों के क्वेश्चन है। ओके, द रिमाइंडर वेन 11 टू द पावर 1011 प्लस 1011 टू द पावर 11 इज डिविजिबल बाय 9। जब आप इसे 9 से डिवाइड करोगे तो भैया रिमाइंडर क्या होगी, मेरे को यही बताना है। श्रीमान, इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना है, 9 से यहां पर देखना 9 है हम लोगों की, तो ये जो 11 टू दी पावर हम लोगों को दिया हुआ है 1011, 11 को आप 9 प्लस 2 टू दी पावर क्या लिख सकते हो 1011। अब ये सॉल्व करने पर सारा टर्म याद करो, लास्ट वाला टर्म 1 बनता था तो 1 की जगह पर यहाँ पर 2 आ रहा है तो क्या बन जाएगा 2 टू दी पावर 1011। ओके गाइस, और इसी तुम 2 की पावर 3 टू दी पावर क्या लिखोगे 337, 2 टू दी पावर 3 8 हुआ, और 8 को तुम 9 माइनस 1 टू दी पावर 337, इसे आप 9 लैम्डा माइनस 1 लिखोगे, तो यहां से हम लोगों को रिमाइंडर के लिए माइनस 1 दिख रहा है, बट नेगेटिव तो होता नहीं है, लेकिन इसमें प्लस है। आइए ऊपर इधर दिखाते हैं आपको, 1011 टू दी पावर 11 जो दिया हुआ है इसे हम लोग 9 इंटू 112 प्लस 3 टू दी पावर 11 लिखेंगे, तो ये हम लोगों को क्या आ जाएगा 3 टू दी पावर 11। भाई मेरे, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में 3 टू दी पावर 11 ऑलरेडी डिविजिबल बाय 9 है, तो बन रहा है क्या फाइनली माइनस 1, लेकिन रिमाइंडर तो नेगेटिव होगी नहीं, प्लस 9 करो माइनस 9 करो तो रिमाइंडर क्या हो गया फाइनली क्वेश्चन की 8। गाइस, आ गया आंसर क्वेश्चन की, आंसर कितना हो गया डी नंबर ऑप्शन। तुम्हारा जेई मेंस 2022 की क्वेश्चन है बच्चे, ये आप ध्यान रखेंगे इसे। ओके, जेई मेंस 2022 की क्वेश्चन है। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह की है, आप इसमें देखो हम लोगों की जो क्वेश्चन दिया हुआ है 106 टू दी पावर 85 बोल रहा है, प्लस माइनस 85 टू दी पावर 106 है प्लस 1 है, बोला है 7 से डिवाइड करनी है ना। भैया तुम सोचो 7 के खानदान में ये आता है क्या? हाँ आता है, जरूर आता है, यानी 7 के खानदान में होनी चाहिए, करीब लाना है। ओके, तो देखो 105 तो 7 के टेबल में आ जाएगा, तो इसे 105 प्लस 1 टू दी पावर 85 लिखोगे, माइनस 84 प्लस 1 टू दी पावर 106 प्लस 1 है, इसको 105 लैम्डा प्लस 1, और ये क्या हो गई हम लोगों की 84 न्यू कर लो इसमें, ठीक है 84 न्यू कर लेते हैं, कांस्टेंट से आपको दिक्कत ना हो, म्यू अब प्लस इसमें क्या आएगा 1, अब प्लस 1 है
आप यहाँ पर देख रहे हैं टर्म तो कटने वाला है, ये वन कट गया, और ये दोनों में देखो सात कॉमन है, तो आ गया सात से डिविजिबल, बच गया हम लोगों के क्या फाइव वन। तो हम लोगों की जो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के क्या आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। रिमाइंडर कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, वन आ गया। तो देखा आपने बेहतरीन क्वेश्चन था ये, आप कैलकुलेट करना सीखोगे। ओके गाइस, थैंक यू।